Dear Jules, this is a thank you from just another girl on the internet. Thank you for your good morning messages. Characterless, star, do kodi ki aurat. Thank you for recognizing my work. Casting couch kiya hoga isne. Thank you for appreciating my acting. Ek raat ka 5 lakh de sakta hu. Thank you for the rape threats and the body shaming. Thank you for being yourself and not allowing me to be me. Thank you so much for your trolls. Just thank you. Not yours, truly. Vareen Khan. First of all, congratulations on the success of your film. Thank you. When I got a call from you, I was actually pleasantly surprised. What did you see and what made you call us? Well, मैंने तापसी का जो आप लोगों का MTV Troll Police का एपिसोड था वो देखा था. किस किस की देखी है तूने वाली पिक्चर? भारतीय संस्कृति का है ना तू. This is a great initiative and a great thing that MTV has come forward help us with, क्योंकि we have this certain थोड़े से section of people जो जिनको पता नहीं लाइफ से क्या शिकायत है, जो लिखते हैं ऐसे पीठ पीछे छुप के, उनसे फेस टू फेस होके पूछ तो ले प्रॉब्लम क्या है. आप यहाँ तक जो आपकी जर्नी है हमने देखी, बट एक्टिंग वाज नेवर अ प्लान इन योर लाइफ. नो, नेवर. राइट, यू वांट टू बी एयर होस्टेस? आई वांटेड टू बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स बट एन एक्ट्रेस. एन इंसिडेंट टू प्लेस इन माय पर्सनल लाइफ, जिस वजह से मैं अपनी मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ा. व्हाट हैपेंड? My father decided to not stay with us anymore and he decided to walk out on us. And being just two sisters or me being the elder one, I had to work every day to take care of my family. And I was, I think, 17-year-old when I had my first job in a call center. You know the reason? Yes, I did know the reason and it was strange. His reason to walk out was, mere paas do betiyan hain, beta nahi hai. But it was all the more reasons to prove ourselves and, you know, show it to him ki bhai, being girls also we are quite capable of taking care of my family. Life changed after we... Yes, it did. Huh? Personal and professional life? Of course, family-wise, mein bahut change ho gayi. In my head, I had achieved a lot. Yeah, outside, it was downhill because itna achha nahi kiya film ne jaisa humne expect kiya tha aur pura backlash mere pe aa gaya. आई थिंक दिस इज द रीज़न मैं यहाँ हूँ कि मैं ये जो ट्रोल किया है मुझे, उनको वन ऑन वन मिल के देख सकूँ और पूछ सकूँ कि उनको इतनी हिम्मत है जो ये छुप के से एक आईडी के पीछे ये सारी चीज़ें लिखते हैं. व्हेन दे कम फेस टू फेस, डू दे हैव टू से दैट टू माई फेस? व्हेन यू गॉट इन टच विद अस, आपने हमारे को दो आईडीज भी बताए थे कि इन दोनों से आपको बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज वो काफ़ी अब्यूसिव लैंग्वेज लिखते हैं और काफ़ी आपको पर्सनली अटैक किया उन्होंने रिपीटेडली. उनमें से एक है आदिल खान जो है एट बीइंग आदिल 25 और फिट एंड बोल्ड, वो दो प्रोफाइल्स है जो आपने हमें दिए. हियर इज द न्यूज़ फॉर यू, दोनों के डिटेल्स हमारे पास हैं. ये पता है कि ये जो लड़का है ना आदिल खान जो इसने लिखा है, ही कैन बी बिहाइंड बार्स. आपकी शूट से कोई गाने से ये फोटोग्राफ है आपकी? यस. यू आर वर्स देन अदर प्रोस्टिट्यूट. They do same work but in private and in majboori. I mean, come Zareen, I give you 1 crore with for just 4 hours. I will movie. I wanna see you. Does this break you when you read it? इट इज़ हर्टफुल, इट डज अफेक्ट यू. गुस्सा आता है यार, बहुत गुस्सा आता है. ऐसा होता है कि ये अगर सामने होता है इनका तो मुंह ही तोड़ दें, बट पीठ पीछे कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, तो इनका आप क्या ही कर सकते हो. आई मीन आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द फैक्ट दैट यू नो मेरी मॉम जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वरना दिस वुड रियली डिस्टर्ब हर. इट्स डेविस्टेटिंग. ज़रीन, वी ट्राई टू गेट इन टच विद आदिल. ओके. क्योंकि बहुत ही रेनाउंड कंपनी में काम करते हैं. अच्छा. सॉफ्टवेयर कंपनी में.
कोलकाता में। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से साइबर इन्वेस्टिगेटर रितेश भाटिया ने बीइंग आदिल 25 को फेसबुक पे ढूंढ निकाला और फिर तनीशा नाम का एक फिक्शनल आईडी क्रिएट किया। With the help of social engineering, the crew managed to extract his number. इस पॉइंट पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिग्नेश छेड़ा डिसाइडेड टू सेंड हिज स्पेशल क्रू इनटू द फील्ड टू पोज एज तनीशा एंड मीट बीइंग आदिल 25. लेकिन ट्रोल बीइंग आदिल 25 डिडंट अपीयर ऑन द डे ऑफ मीटिंग। हमने एक दो बारी कोशिश की गेट इन टच, वी वांट एबल टू गेट इन टच विद हिम, और जहां पे वो रहते हैं वहां पर भी नहीं आए। द अदर गाय जिसके कमेंट्स अभी हमने नहीं पढ़े जी, फिट एंड बोल्ड, उसके भी कमेंट्स बहुत खराब हैं, ऐसे ही हैं। फिट एंड बोल्ड एक बॉम्बे में रहने वाला लड़का है, फिटनेस फ्रीक है ऑब्वियसली। वो एक आर्टिस्ट मैनेजर फॉरेन डांसर्स वगैरह के, ही इज इन टच विद देम एंड वो अलग अलग इवेंट्स पर उनको काम दिलवाता है, एंड इज द एजेंट इन द मिडल। ओके, उसने कुछ जो कमेंट्स किए हैं, वी विल फर्स्ट रीड देम एंड देन आई विल टेल यू कि प्लान क्या है। पहला है फिट एंड बोल्ड, आपकी एक फोटोग्राफ है और ये लिखा है उसने। Zareen looking at her when thinking, oh, इसके बारे में मैं क्या ही जवाब दूं? अगर मैं तुमको बता भी दूं कि कैसे होगा, क्या तुम उसको अपने आप पे यूज करके अपने करना चाहते हो, क्या मतलब चाहते क्या हो, इसका मैं क्या ही जवाब दूं अभी? It's strange, fit and bold कह रहा है। ऐसे भी यू लुकिंग लाइक अ हैशटैग आई डोंट, इस वाले में उसने स्लट शेम किया और बॉडी शेम भी किया। फिर एक और है, बहुत स्वीट सी फोटोग्राफ आपकी। Zareen Khan looks stunning. She can clean up well. Despite my mom harsh opinion that she is hideous. Hashtag Kamwali Bai. What all emotions are going on? दिमाग में क्या चल रहा है अभी? मुझे तो first of all इनकी upbringing पे थोड़ा सा questions raise होते हैं कि भाई ये कैसे माहौल में बड़े हुए हैं जो ये ऐसी बातें करते हैं। समय मुझे ये भी लगता है कि शायद बेचारे को दिमागी प्रॉब्लम होगी, तो जो मिल के हमको पूछ के दूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक, इसने लिखा शी थिंक्स दैट हर ट्रोलर्स आर हर फैंस टू, हा हा हा, और हैशटैग लिखा है तेरे नाम का कुत्ता भी ना पालूं। कुत्ता पालो ना पालो, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से आप इतना टाइम निकाल रहे हो कि मेरे अकाउंट पे आके ये लिख रहे हो, तो मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट तो हूँ। इतने सारे कमेंट्स, नेक्स्ट वाला है। Zareen Khan is the outcome when I am sorry, I think they are monstrous people. Okay. और I respect parents. और hashtag I respect parents. वही तो ना दिमागी प्रॉब्लम है, तो ये इंसान को मदद चाहिए जो आई थिंक हमको करनी चाहिए। Ready to see what he does? Yes. Who he is? Fit and Bold is from the entertainment industry, और वो इवेंट्स के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स प्रोवाइड करता है। क्रू ने फिट एंड बोल्ड को बोला कि वी आर लुकिंग एट डूइंग बिग इवेंट्स अक्रॉस इंडिया, और इसीलिए हम उसे हायर करना चाहते हैं। Fit and Bold believed this story and then the crew member went to meet him. आपका जो ट्रोल है जिसे आप मिलने वाली हैं Fit and Bold, उसका नाम है गिरिराज केडिया। सिर्फ 23 साल का है। एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन है जो रिकॉर्डेड है, सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस गाय एंड इसके क्या विचार हैं, किस किन चीजों के बारे में क्या सोचता है, वो भी आपको पता लगेगा। अच्छा। Ready? Yes. To see him? बस मैं जैसे कि मतलब वैसे तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बट कलकत्ता बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और पिछले 4 साल से बॉम्बे में हूँ। 2013 में मैं मुंबई आया और तब से यहीं पे हूँ ना। तो क्या कर रहे हो अभी बॉम्बे में? इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स? What does he do on international events? I want to know. We'll find out ना। चाहे तो यहाँ से बाहर करूँ या फिर पैसा कमाना है तो। तो घर पे कौन कौन है आपके? डैड। सिर्फ डैड? सिर्फ डैड। सिंगल चाइल्ड? यस। मदर को क्या हुआ आपको? सॉरी मॉम एक्सपायर्ड इज लाइक 4 इयर्स बैक। ओ माय गॉड, इनकी मॉम शी इज नो मोर, और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि माय मॉम आल्सो फाइंड्स यू हिडियस। यू नो
not. I've never seen somebody talk about his parents so coldly. मतलब there's no emotion. Girlfriend रही नहीं है कभी. ब्रेकअप हो गया कुछ था सर्कमस्टेंसेस. चीट किया तूने उसने? नहीं उसने किया. उसने चीट किया. कैसे पता चला तेरे को? मैंने देख लिया था. किसी और के साथ घूम रहे भी? नॉट ओनली घूमना, मैंने किस विस करते थे देख लिया था. फिट एंड बोल्ड AKA गिरिराज केडिया ट्रोल पुलिस के क्रू मेंबर से आज पहली बार ही मिला है. एंड इट वॉज शॉकिंग टू सी कि मीटिंग के दौरान वो अपने पर्सनल डिटेल्स उसके साथ क्यों शेयर कर रहा है. उसके बाद से मैं थोड़ा सा और ज्यादा वो हो गया. कोई दोस्त वोस्त नहीं तेरा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. किसी पे विश्वास नहीं करता? नहीं, विश्वास तो बहुत दूर की बात है. क्यों? बहुत दूर की बात है. मदर के जाने के बाद थोड़ा इफेक्ट वेक्ट हुई लाइफ? मतलब एक्चुअली नहीं. क्यों? पीपल से मी, मेरे सारे फ्रेंड बोलते यू आर अ कोल्ड हार्टेड. ठीक है, सीरियसली, बिकॉज आई वाज अ गाय. जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई मैं रोया नहीं था. व्हाट आर यू सेइंग? यस सीरियसली, आई एम लाइक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोल्ड हार्टेड हूँ. Trolls are usually two-faced, or Giriraj Kedia, aka Fit and Bold, is yet another example of one. वो online कुछ है, लेकिन real life में कुछ और दिखता है. Cold-hearted होना is not bad, but cold-hearted होकर आप दूसरों को demeaning messages भेजते हैं, that's not cool. We have to first figure out क्या इसको आपसे कुछ personal problem है, या इसके life में जो problem है उसकी वजह से ये कर रहा है. So I'm going to tell you what the plan is. As per the plan, troll Giriraj aaj ek international event ke liye kisi important insaan se milega to be hired for an international event. Lekin he's going to be stunned to see who he will be sharing a ride with. Zareen khud usko milengi. Upon seeing her, will he continue to be Giriraj Kedia or will he transform into the fit and bold? Let's find out. This is the car. It's fully rigged in. There are mics and cameras inside. हमारा जो क्रू मेंबर है वो जाके उसको उसका कोऑर्डिनेट करेगा. He'll make him sit in the back with you. You know what to do. Yes. कुछ भी हो जाए, don't worry. I'm in the other car just behind you guys. Okay. All right. Okay. We'll be tailing you guys. Okay. And because I will get the full feed. मेरे को ऑडियो और विजुअल दोनों है. मुझे पता है इस गाड़ी में क्या हो रहा है. I can see you guys also and I can hear you guys also. Okay. All right. Best of luck. Hello. See you. Yay. Let's do this. अभी जरीन और उनके मैनेजर आगे वाली गाड़ी में विद अ क्रू मेंबर. ये उनका फीड है और वो जो बातें कर रहे हैं वो मेरे को सुनाई दे रहा है. अभी हम जाकर जो ट्रोल है उसको पिकअप करने वाले हैं. हाय, सो मैम इज द गाय. हाय, नाइस मीटिंग यू. नाइस मीटिंग यू. प्लेजेंट सरप्राइज. You over here? Yeah. How are you? I'm good. Thank you. How are you? I'm good. I didn't expect you. इसको देख के लग नहीं रहा कि ये ज़रीन के बारे में इतनी खराब खराब चीजें लिखेगा. So I am planning the show for me. It is very confidential right now. उसने तो आपके बारे में नहीं बताया कि आप plan कर रहे हो. नहीं, इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि बहुत confidential है अभी. ये it's a worldwide dance show that I want to bring in together. Live concert kind. Okay. So I am targeting at US, Canada and Australia. Now we are heading towards this lounge. वहाँ पे जो हमारे event की जो financiers हैं वो सब हैं. You have any agency as such on your? Yes, I have my own company. Events में नहीं, बल्कि मेरी खुद की company है. Wow. तो ये जो आप artists लाते हो, dancers लाते हो, are they already trained or you get them here then? No, you they train? Really trained. Okay. They are celebrities actually. Wo Hollywood ke celebrities hain jinko main leke aata. Fir unke to charges bahut hote honge. Aur abhi recently jo main kar raha hu jiske piche main laga hua tha, that is something around 80 lakh to 1 crore. Wow. काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, काफी फेंक भी रहा है कि मैं 80 लाख, एक एक करोड़ के वो करता हूँ शोज. मैं छोटे आर्टिस्ट को मैं वो नहीं करता. अच्छा. I mostly target international artists जो बड़े लेवल पे हैं. अच्छा, जैसे किस, कौन से international? जैसे अब वर्ल्ड ऑफ डांस का जो विनर था जियान एसवुड. अच्छा. वो मेरी कंपनी में साइंड है. अच्छा. ठीक है. मैट शिफानिया जो वर्ल्ड ऑफ डांस का जज है. कोई आइडिया नहीं है इसको कि एमटीवी ट्रोल पुलिस पर है. अभी बस
इम्प्रेस करने के चक्कर में कि मैं सिर्फ बड़े आर्टिस्ट, कौन बोलता है ऐसा कि मैं छोटे आर्टिस्ट से काम नहीं करता, मैं सिर्फ बड़े आर्टिस्ट से काम करता हूँ. सो ही ट्राइड टू टेल ज़रीन कि मुझे पता नहीं आपका क्या सीन है, पर मैं बड़े बड़े लोगों के साथ ही करता हूँ. मोस्टली काफी लोग तो फिर व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, मतलब उनको हॉलीवुड के एक्टर से ही बेस्ट है कि मतलब चाहे वो कितने भी बड़े हो, मैं उनको मोस्टली जल्दी एक कन्वर्सेशन के बाद सेकंड टाइम मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ. वाह, एक कन्वर्सेशन, एक मेल के बाद सीधा हॉलीवुड एक्टर्स व्हाट्सएप पे बात करते हैं हमारे ट्रोल के साथ. They are really good. International artists are really good. मतलब I'm like कि मुझे पहले I should thank you. हम नहीं अच्छे लगते आपको हमारे साथ, मतलब नहीं actually क्या होता है ना Bollywood actors के साथ नहीं काम करना. मैं आपको कैसे लगती हूँ as an actress? It's not like that. मैंने ज़्यादा movie देखी नहीं है. अच्छा. मैंने सिर्फ वीर देखी. नहीं मैंने वैसे भी ज़्यादा movie की भी नहीं है कि आप मेरी ज़्यादा movie देखो. Acting में मैं comment नहीं करूँगा कि आपकी acting कैसी है and all. So I won't comment on that because that's a profession को आप ज़्यादा अच्छा जानोगे मेरे से. कई महीनों से फिट एंड बोल्ड एक गिरिराज अपने स्क्रीन के पीछे छुपकर ज़रीन के प्रोफाइल पे कमेंट्स करके उनको इमोशनली हर्ट करता रहा है. गिरिराज लैक्स एम्पथी, ही ओनली केयर्स अबाउट वन थिंग, हिमसेल्फ, हिज ओपिनियंस, हिज फीलिंग्स. टुडे द टेबल्स विल टर्न. अब ये देखना है कि जब उसको ये पता चलेगा कि वो ट्रोल पुलिस पे है, विल ही बी कोल्ड एंड डिस्टेंट और ही विल गेट अग्रेसिव. Let's find out. I'll just see you. Yeah, no problem. Okay. See you. Yeah, bye. Nice meeting you. Thank you. Coming, I'm right? coming up. Okay, I'm coming up. All right. Guys, he's fallen for it. He will realize now you are MTV troll police par hai. It's time to go. Good job, good job. Thank Very good. You. Well done. Well done. Usko bilkul bhi shak nahi hua. Ji. And he's gone up now. Let's go and see what to Aaj do. Troll Police mein Zareen aayi hamare paas with the name of her biggest serial troll, Fit and Bold. Ye troll pichle kai mahino se Zareen ko obnoxious messages bhejta raha hai. Troll Police ki team has managed to uncover his real identity. Today is the moment of truth when troll Giriraj will come face to face with his online target, Zareen Khan. ट्रोल पुलिस के क्रू ने एक कोलाज डिजाइन किया है. इस कोलाज में फिट एंड बोल्ड का हर नास्टी कमेंट, हर सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्टिक पोस्ट लगाया है. कैमरास हैव बीन इंस्टॉल्ड एट द लोकेशन टू कैप्चर गिरिराज's रिएक्शन. अब देखना यह है कि डज ही ट्राई टू डिनाई दिस और डज ही ओन अप टू हिज मिस्टेक्स. रणविजय एंड ज़रीन विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन फ्रॉम द कंट्रोल रूम. आपकी जो मैनेजर है, she is going to get him to this room. Yes. पूरे हर तरफ से कैमरा लगाया हुआ है और ये आपकी सब फोटोग्राफ्स लगी हुई है with all the comments जो इसने लिखे हुए हैं. जी. एक पॉइंट पे जब उसको रियलाइज हो जाएगा कि ये उसके कमेंट्स हैं एंड कुछ गड़बड़ है, आई विल सेंड यू. ओके. आप जाइए, बात करिए, कन्फ्रंट हिम और जब सही टाइम होगा आई विल कम इन देयर विद द कैमरास. ओके. आई थिंक ही इज ऑन हिज वे अप. देयर ही इज ज़रीन. गिरिराज थिंक्स ही इज हियर फॉर अ मीटिंग बट ही हैज नो आइडिया ही इज ऑन ट्रोल पुलिस एंड व्हाट्स इन स्टोर फॉर हिम. ओके. अब उसको समझ आ गया, सांस आना बंद हो गया इसको. अब उसके पैरों तले जमी उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या है मार खाएगा. वो सब जो वो था ना कॉन्फिडेंस सब चले गए. ओके ज़रीन गो. ओके तो आई थिंक इट्स टाइम टू डू दिस. ओके.
Hi. Have a seat. So, what do you think of this wall? Looking good. It's looking good. और आई थिंक आपके जो कमेंट्स है वो तो ये वॉल पे चार चांद लगा रहे हैं ना. बोलो कुछ तो बोलो, ये सब आपके लिखे हुए हैं या किसी और, या हैक हो गया था अकाउंट? क्या देखना था वहां पे? ते वैसे भी यू आर लुकिंग लाइक, क्या देखना क्या था आपको? दैट वाज लाइक अ कमेंट, लाइक कॉम्प्लीमेंट, यू नो. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. सो यू थिंक बीइंग अ f**k इज अ कॉम्प्लीमेंट? That was for the separate picture. It was like character, for the characterization. You know, it's like a character. So that. And a hashtag I don't. Okay, that one. That one. I was having a word with my friend actually on that time. और उसको मैं लिख रहा था साथ साथ में, मैंने फिर वो copy paste यहाँ पे भी मार दिया. ये जो हॉलीवुड एक्टर्स जो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ही सिर्फ काम करते हैं, वो आपको लगता है कि ये सारी जो ये आपकी ये जो थिंकिंग है ये देखने के बाद आपके साथ काम करेंगे, आपको लगता है आपकी कंपनी चल जाएगी उसके बाद? यस यस, उससे इससे कोई मैटर नहीं करता मेरी कंपनी का प्रोफाइल पे. आर यू ओके इन योर माइंड? डू यू नो, आपको समझ में आ रहा है? यू नो, आप जो है ना वो या तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खतरा हो या तो सोसाइटी के लिए. नो, मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास, मतलब ये टाइम पास है. ये अगर मेरी माँ रीड करेगी क्या सोचेगी? मेरी बहन रीड करेगी? एग्जैक्टली. सो यू नो वॉट, आई थिंक यू नीड हेल्प, यू नीड मेंटल हेल्प. आई डोंट थिंक सो. अभी गाड़ी में आप मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहे थे. आई एम दैट पर्सन जो यू आर दैट पर्सन और यू आर दिस पर्सन? ऑब्वियसली आई एम दैट पर्सन जो अच्छे से बात करता है. तो ये कौन है? टाइम पास. ये टाइम पास है? अभी मैं आपको थप्पड़ मार दूं टाइम पास के लिए? Huh? I'm not getting physical. मैं physical नहीं. Of course you won't get physical here. Because if I become physical on you, my hands are bigger than your entire size. I'm gonna go. Welcome to MTV Troll Police. यहाँ पर आज कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई प्रोडक्शन मीटिंग नहीं हो रही, कोई इवेंट नहीं. मैंने कॉल मीटिंग के लिए आया हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है. मैं वो छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. काम होगा अभी. मैं उसको छोड़ के यहाँ पे. नाम क्या आपका? गिरिराज. गिरिराज केटिया. फिट एंड बोल्ड कौन है? It's like that's my handle. He's fit and he's bold. Yes. तेरे को पता है रेप कल्चर क्या होता है? पता है? जेल पता क्या होती है? जेल तो पता होगा. जो तूने यहाँ पे चीजें लिखी है ना, अगर आज तेरे खिलाफ FIR लिख दे, the cops waiting, she just has to say yes. वैसे भी you're looking like a, का मतलब समझता है तू? Defamation समझता है? तुझे लगता है मजाक हो रहा है ना? तूने rape threat दिया है. Time pass के लिए इसको पुलिस में दे दे, हम भी थोड़ा time pass कर लेते हैं इसकी लाइफ से. He doesn't care about his life. आपको पता है. First, you have to figure out whether he understands if it is good or bad. He is not understanding. Yeah. This is bad. You know what? It is not freedom of speech. ये आपका opinion आपके घर में नहीं है, अपने दोस्तों के बीच में नहीं है, या आप किसी और के घर में घुस के उनके लिविंग रूम में जाके उनपे गालियां हैं. जब गालियां दोगे ना किसी को जाके, तो सीधा पुलिस के पास जाते हो. Do you understand? आपने क्या लिखा है? हाँ, पढ़ वाला, पढ़ सबसे पहला वाला, पढ़ जोर जोर से पढ़. Zareen Khan looking at a thinking, oh. आगे क्या? Straight out of Kamathipura. समझा? What do you insinuate? क्या मतलब क्या है इसका? मैंने वो क्यों लिखा था मैं बताता हूँ कि इस time पे like I have seen lots of things कि मतलब लोग surgery करवा रहे होते जाके. ओके सर, लाइक कि या इट्स गुड, मतलब नेचुरल. मैंने उस हिसाब से वे में लिख दिया था कि हाँ ठीक. तूने ऐसे लिखा है गुड? मतलब I have said कि लाइक बेवकूफ तो नहीं समझ रहा ना मैं? बेवकूफ तो नहीं लग रहा मैं या ये? नहीं ना? तो वो बात देख, अगर तू वहां पे पहुंच जाएगा ना, एक बारी अंडरस्टैंड कर लेगा तूने क्या किया है, तो ये आसान हो जाएगा. अगर तू इर्द गिर्द घूमता रहेगा
तो मेरे को समझाना पड़ेगा या इसको समझाना पड़ेगा योर। और जिस तरीके से हम समझाएंगे वो तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। तेरे को पता है ये क्या है ना, इंटरनेट पे ट्रोलिंग होती है, यूर अ ट्रोल। आई एम ब्लैक पैक ट्रोल। व्हेन यू से दैट ना दैट हैशटैग ते बी यू आर लुकिंग लाइक अ। और हैशटैग क्या लिखा है? आई डोंट। क्या हुआ? मैं क्या? बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग। हां आई नो दैट। पहले तो मेरे को ये बता कि मेरे को क्यों बुलाया मैंने, मतलब ऐसा क्या कर लिया जैसा तेरे सामने। आई डोंट थिंक मुझे का मतलब समझ गाली। आई डोंट थिंक सो। क्या होता है लाइक ओके यार, मेनी गर्ल्स हु वर्क फॉर लाइक दे फॉर पैसों के लिए काम करने के लिए वो करती है। प्रोस्टिट्यूट। हां इज अ दैट्स अ प्रोफेशन, वो उनका प्रोफेशन है। तो ये मेरा प्रोफेशन का है। तू ये मत बता, तू मुझे ये बताने की कोशिश मत कि तू लोगों की जो रिस्पेक्ट करता है उनके काम की, क्योंकि तूने एक में लिखा है काम वाली बाई, यू डोंट रिस्पेक्ट एनीबडी, एनीबडीज वर्क। डोंट गिव मी बुलशिट। यू कैन बी ऑन द एज फॉर एज लॉन्ग। कोई लड़की अगर काम कर रही है, एक्टर है, आपने बोल दिया इक्वल टू प्रोस्टिट्यूट। हाँ, और वही प्रोस्टिट्यूट से तो कितने अच्छे से बैठ के बातें की गाड़ी में, वही प्रोस्टिट्यूट के साथ मीटिंग करने आया था क्योंकि वही प्रोस्टिट्यूट पैसे देने वाली थी। तो मतलब क्या वो चलेगा? वो ठीक है, तो पता है लोगों पे क्या इफेक्ट होता है इसका। When you say that, ना दैट हैशटैग, वैसे भी you're looking like a... क्या हुआ? मैं क्या? Body shaming, slut shaming. तूने अपनी बॉडी देखी है? तू मेरी बॉडी पे कमेंट कर रहा है? बहुत अच्छी है। कहाँ से? क्या अच्छी है? 4 फुट का तो है तू। What is your stature to comment like this on me? कौन पहचानता है तेरे को? है कौन? यू तूने यहाँ पे बोला है? She thinks that her trollers are her fan too. तेरे नाम का कुत्ता भी ना पालूं। मेरे नाम का तू कुत्ता नहीं पालेगा, लेकिन मेरे पैसों के लिए काम करने यहाँ पे बराबर आया तू। हम करें ट्रोल आपको? एक तो एक औरत को तू बिना बात पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कितने सारे, क्या बात है यार? उसका भी दिल है यार, वो भी पढ़ती है, उसकी मॉम पढ़ती है यार, कुछ रिस्पेक्ट है कि नहीं दुनिया के लिए आपको? जैसे ये वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी, इफ आई डिडंट हैव अ मम, मैं उनके बारे में सोचते टाइम ही मेरे को थोड़ा इमोशनल हो जाता, लेकिन तुमने उनको एक खराब घटिया चीजों के बीच में लिख दिया उनके बारे में। ये वाला क्या है? Zareen Khan is the outcome. बोलो, बताओ, समझाओ। Zareen Khan is the outcome when hashtag I respect parents. क्या हो गया भाई? दिमाग खराब है? ये पढ़ के हंसी आ रही है तेरे को? मैंने वो कमेंट के नीचे इसलिए वो I respect parents दिया, because that's क्योंकि you don't respect parents. That's not your and not your parents too, because you definitely don't respect your parents. क्योंकि अगर आप अपने parents को respect करते, तो अपनी mom जो अभी इस दुनिया में है भी नहीं, उसको यहाँ पे involve किया हुआ है। मतलब तुम हो क्या चीज? ना माँ बाप है, ना दोस्त है, ना गर्लफ्रेंड है, अकेले होके ये पागल हो गए हो क्या? I can delete that. I can go and delete it. नहीं, What? I can go and delete it. नहीं डिलीट कर सकता यार तू। Can I give you one tight slap and then you will delete it from your memory? Can you do that? Because this is exactly what has happened to me. This is like a slap to me. This is like a slap to my mother. This is like a slap to my family. तो जिस तरीके से आपने मेरे को अपनी बातों से चाटा मारा है, मैं अभी आपको अपने हाथों से चाटा मार देती हूँ, फिर हिसाब बराबर कर लें। Tell me, ये तो time pass के लिए लिखा है और ये तो मतलब fun के लिए लिखा है, and you are going to delete it because it's no big deal. So I will give you one tight slap now, and then it's all equal. Is it okay? Is it okay? No, obviously not. Of course not, right? Then why is this here? Who the f*** gave you that right? Who the f*** gave you that right? No one. No one. So how the f*** can you write it here? Do ek tamacha muh pe abhi. Haath hai na mera, tere muh se bada hai. Kahan jabda toot ke girega, pata bhi nahi chalega. I'll go and delete it, he's saying. I really can't take this. I swear I'm going to hit him. You please handle this. क्या प्रॉब्लम? Nothing. फिर क्यों करता है? You're not the first person I'm meeting in my life who's like this. Understand this.
कोई बात नहीं, इसमें कुछ खराबी नहीं, आप अगर किसी किस्म के हो उसमें कुछ खराबी नहीं है, बट आपको वो समझना पड़ेगा। इस बेचारी ये गलती यार, वो 17 साल की उम्र से उसके डैड नहीं है, छोड़ के चले गए, वो काम कर रही है अपनी फैमिली का, मतलब पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पैसे नहीं थे पढ़ाई के, कॉल सेंटर में जॉब की उसने अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए, और तू उसको ऐसी ऐसी चीज, ये चीजें लिख रही है, तू ये चीजें लिख रहा है यार। You called her a prostitute. I didn't mean that. यार तू है ना 23 साल का, मर्द बन, अपनी बात मान, अपनी बात पे अड़ तो सही कि हाँ यार मैंने किया गलत है या सही है वो बाद में देखेंगे, बट तू तो कह रहा है मैंने, I didn't mean it. सिर्फ 23 साल का है, you know, and the world is his oyster now. उसको अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इतनी कम उम्र में वो ये सारी चीजें कर रहा है. I really don't know man. I feel sorry for him. तेरी जिंदगी में अगर प्यार नहीं मिला मॉम डैड से या कुछ हो गया और फिर तूने सब जो दारोमदार था अपने लाइफ के इमोशंस का वो तूने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में थोप दिया, बट तू इतना ओवरबेयरिंग और ऐसा आदमी जो किसी के बारे में सोचता नहीं है कि उसको भी ब्रेकअप करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ? No. फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? आजकल किसी को सच्चा रिलेशनशिप से मतलब नहीं होता. People go through so many bigger things in life, you know. मैं भी एक ऐसी फैमिली से आती हूँ where जब मैं अपनी जिंदगी समझने की कोशिश कर रही थी तभी मेरे डैड हमको छोड़ के चले गए. उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पागल हो गई और मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ. हाँ मैंने, चलो ठीक है, इनके ऊपर किया, मैं मानता हूँ मैंने किया, बट इन फैक्ट आई सेड दिस टू माय फ्रेंड्स आल्सो, लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो. तू जितना चौड़ा होकर बोल रहा है, यू प्राउड ऑफ इट? नो, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट. आई एम सेइंग कि हम लोग जस्ट फन में लेते हैं काफी चीज. यार तू दुनिया के सामने कर रहा है यार, उसके इतने मिलियन फॉलोअर्स के सामने कर रहा है, यू गॉट इट? लोगों को लगता है कि इंटरनेट पर जाके कमेंट करना हार्मलेस है, लेकिन कई लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं. व्हेन समबडी इज डाउन यू आर किकिंग देम, ये इंसानियत नहीं है. तेरे जिस दिन बुरे दिन चल रहे हैं उस दिन तेरे को चाहिए कि मैं आके तेरी मदद करूं, उस दिन आके मैं मारूंगा तो तेरे को समझ आ रहा है डिफरेंस? यू नो, ये ऐसे जो लोग हैं, ये जो ट्रोल करते हैं अपने घर की चार दीवारी में बैठ के, ये नहीं समझते कि ये हम जो हैं, हम इसको जब रीड करते हैं हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सारे दोस्त ये सब रीड करते हैं एंड इट मेंटली अफेक्ट्स, यू नो. मैं एक स्ट्रांग लड़की हूँ, स्ट्रांग माइंडेड हूँ, मेरी मॉम इतनी स्ट्रांग माइंडेड नहीं है, अगर वो ये सारी रीड करती शी वुड बी रियली ट्रॉमेटाइज्ड. हम सर कहने को वाटर प्लीज. पानी दो. I'm okay. Is he okay? Let's see. You know, अभी तो मैं बहुत गुस्से में यहाँ से गई, बट मैं जब वहाँ जाके कॉन्वर्सेशंस आपके देखे गए, मुझे आप बहुत ही सहमे से इंसान लगते हो. आपको बहुत प्यार की ज़रूरत है और आप ये जो करके हैं ना, आपको ऐसे लगता है मैं बहुत कूल हूँ और मैं सबको, वैसे भी मेरे को नहीं है तो मैं और लोगों को पुश करता हूँ. क्यों भाई, क्या बुरा है, क्या बुरा है लोगों से? क्योंकि जो नेगेटिविटी है ना वो दिख रही है. तूने, तेरी सब एक जैसे नहीं होते ना बाबा. अगर आप हर एक इंसान को एक ही नजरिए से देखो तो फिर तो आप इस दुनिया में रह भी नहीं पाओगे, इतनी बुरी जगह है ये, फिर ये दुनिया. लोगों को जानना सीखो. आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आपको पैसे की वजह से छोड़ के गई थी? Obviously she said me many times. क्या? यार मतलब तो ये I want a rich guy. तो इसीलिए आप इस पोज में पहुंच गए हो कि मैं अभी किसी से अटैच नहीं होऊंगा, मैं बस पैसे बनाऊंगा. मैं कर क्या रहा है, कहां करेगा है? क्या उसका happy with that alone life? Yes. तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हुआ है तो ये तो गलत है. बुरा तो हर एक इंसान के साथ होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो ये बन जाए. इंसानियत कहां गई आपकी? पैसे तो बना लोगे, उसके बाद कोई आपको पूछेगा भी नहीं, वो पैसे का क्या अचार डालोगे? क्या है, किस चीज का गुस्सा है? We are all here to help you. बैठ जा. आज अभी इस वक्त तेरे को अपने बारे में इनको देख के क्या लगता है कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना. पछतावा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था? यस. आगे जाके करेगा किसी के साथ भी? क्योंकि मेरे को पता तूने और लोगों के साथ भी किया.
इसको सेडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं। किसी और को बुरा भला कहने से अपने आप को अच्छा फील होना एक सेडिस्टिक प्लेजर होता है। और आपको ये मौका पता है, मतलब जब मेरे डैड गए ना, मैं सिर्फ 17 साल की थी। एज अ गर्ल जो आपने लिखा है ना, वो मैं सच में हो सकती थी, लेकिन आई चोज नॉट टू बी वन। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट? मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं तो अपनी मॉम से बहुत क्लोज हूँ, और ये मेरी मॉम देखती तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड इट बी। मेरा तो दिल दुखा रहा है, चल मैं तो स्ट्रांग हूँ। एक माँ का दिल दुखाएगा, यू थिंक यू विल एवर गो अहेड इन लाइफ? बद्दुआएं लेके आगे जाना है। सो हियर्स द थिंग, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप जैसे आपका एटीट्यूड था उसमें बोल दीजिए कि हाँ मैंने किया, मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, देन शी विल डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू। दूसरा ये कि अगर आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि आपने वो गलती की, एक मौका हम दे सकते हैं। इफ यू आर अपोलोजेटिक देन एक्ट ऑन दैट। डू यू फील बैड? ऑब्वियसली आई एम फीलिंग बैड, यस आई शुड हैव डन दैट। तेरे पास मौका है, इफ यू वांट टू अपोलोजाइज। आई एम सॉरी, आई कैन जस्ट से कि आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू दिस अगेन एवर, किसी के साथ नहीं करूंगा अगेन, नेवर। सबसे खराब कौन सा तेरे हिसाब से? सभी खराब है। उसको उतार और उसका सॉरी एक बार बोल, और फिर एक एक करके ये क्लोजर चाहिए हमें और तुझे भी। I have written this and I'm sorry for that. Not only for this, for everything. I'm sorry for that. Next one. I'm really sorry. I'm sorry for this also. Again, I'm sorry for this. I didn't mean to like hurt you, your parents or someone. So I'm again sorry for this. And I should have said this. बैठो। ज़रीन, अगर आपको लगता है कि इनकी जो अपॉलजी थी दैट वाज गुड इनफ फॉर यू, देन यू टेक अ कॉल। सी आई ऑनेस्टली दिस इज समथिंग रियली हार्ड टू फॉरगेट, बट सिंस यू नो मेरे को लगता है कि ही इज डायरेक्शनलेस, यू नो उसके लाइफ में कोई है नहीं जो उसका हाथ पकड़ के उसको बताए कि भाई ये गलत है ये सही है, इस वजह से मे बी गुमराह हो गया है। That is the reason, you know, I want to forgive him. There is another thing. We have a counselor, psychologist है, निराली, वो आपके साथ time spend करेंगी. And I just wish you all the best. इतनी आपने मेरे बारे में चीजें लिखी है ना, मैं उसके बावजूद भी आपको माफ करती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी का कुछ अच्छा कर लो। Thank you. I will surely not do this again. Thank you again, Zareen. आप MTV Troll Police के पास आई, very brave of you. और I have to say, इतने खराब comments मैंने आज तक नहीं पढ़े थे. And I don't know how you have just stormed through them. और आज का जो ट्रोल था ना गिरिराज, उसको ये पता भी नहीं था कि उसके जो वर्ड्स जो वो ऐसे लिख देता है उसका क्या इफेक्ट होता है. Exactly. That's why हमें कुछ समय लगा उसको ये समझाने में. अंत में जब वो समझा, ही रियलाइज कि उसके अंदर की जो कमियां हैं उसकी वजह से उसने वो लिखा है. बट थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच MTV ट्रोल पुलिस एंड रणविजय फॉर हैविंग मी. दिस वाज ग्रेट. थैंक यू सो मच.